हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में आप देखेंगे बहुत प्यारा सा धोती एंड साइड स्लिट कुर्ती, जो कि नायरा कट कुर्ती भी कह सकते हैं। और ये हेलिश हेयर स्टाइल डिज़ाइन है, बहुत प्यारा सा। ये देखिए, इस वीडियो में आप ऊपर की कुर्ती स्टिचिंग करना सीखेंगे, कैसे सिलाई करना है और कटिंग करना है। नीचे की धोती मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में है, आप जाकर देख लीजिए वहाँ पर। तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने 2 मीटर का फैब्रिक ले लिया है। नॉर्मली ये बहुत अर्ज वाला कपड़ा था हमारा, और इसकी देखिए लंबाई सिर्फ 2 मीटर है और चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए वो चौड़ाई हमें लंबाई लग रही है, लेकिन एक्चुअली में लंबाई जो मैंने डबल फोल्ड किया था वो है। और इसको देखिए, मैंने डबल फोल्ड करते हुए 4 फोल्ड कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए, हमारा 15 इंच हम अपनी चोली की लेंथ लेंगे। वैसे तो एक्चुअली हमारी 14 इंच लेंथ है, लेकिन 1 इंच मार्जिन, लेकिन 15 इंच। और टोटल लेंथ हमारी 35 है, जो हमारी फ्रॉक की टोटल लेंथ है 35। तो 15 इंच अगर माइनस करते हैं तो हमारा बचेगा 20 इंच, जो घेरे का पार्ट है हमारा नीचे का। तो सबसे पहले 20 इंच पे देखिए निशान लगाते हुए सीधा हम कट करके घेरे के पार्ट को 4 फोल्ड, ये जो हमारा कपड़ा है, इस तरीके से रखते हुए नॉर्मली सिर्फ सीधा देखिए 20 इंच पे निशान लगाते हुए सीधा कट कर लेंगे। और कुछ नहीं करना, पहले हमने घेरे के पार्ट को निकाला है, फिर हम चोली और बाजू वगैरह निकालेंगे। तो ये देखिए, कट करके मैंने ऑलरेडी निकाल दिया, सिर्फ 20 इंच की लेंथ थी। अब साइड कर दिया मैंने उसको। अब इसके लिए देखिए, ये चोली का अस्तर की कटिंग सबसे पहले मैं कर रही हूँ यहाँ पर। तो चोली के अस्तर के लिए मैंने उसके हिसाब से कपड़ा लिया हुआ है। टोटल लेंथ हमारी इसमें 15 ही है, ऑलरेडी मैंने कट कर लिया था। और इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए 4 फोल्ड करते हुए, पहले डबल फोल्ड था, फिर एक बार और मैंने फोल्ड किया तो 4 फोल्ड हो गया ये। अब यहाँ पे आर्म होल का निशान अपना 6 इंच पे, और नीचे कमर पे, ये नीचे के दिख नहीं रहा है, गलती से वीडियो पे आ नहीं पाया, मैंने ध्यान नहीं दिया उतना, सॉरी। एंड यहाँ पे अपनी चेस्ट का निशान लगाएंगे, 32 है तो उसका 1/4 पार्ट 8 इंच पे, और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए जगह छोड़ देंगे। और आर्म होल पर गोलाई देते हुए निशान लगा लेंगे अच्छे से। तो ये हमने सारा निशान लगा लिया, और यहाँ पे हमने कटिंग भी कर दी अपने चोली के पार्ट को। और नॉर्मली जो हम वहाँ से हमारा कपड़ा बचा था, ये चमक वाला जो कपड़ा हमारा लाइनिंग वाला जो मेन फैब्रिक है, उसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए, ये देखिए दोस्तों, ये कपड़ा बहुत ट्रेंड में चला हुआ है। और ये नॉर्मली ज़्यादा रेंज भी नहीं होता है इसका, 200 रुपये से लेके 300 के बीच में आपको आराम से मिल जाएगा। और आप चीपेस्ट प्राइस में बहुत मतलब हैवी और ट्रेंडी रेडीमेड लुक अपनी ड्रेस को दे सकते हैं। अगर आपको स्टिचिंग आती है, नहीं आती है, तो आप सीख लीजिए और अपने ड्रेस को डिज़ाइनर ड्रेस बनाइए। बहुत चीपेस्ट प्राइस में आपको मिल जाता है और बहुत हैवी लुक आता है इसका, ये देखिए। और इसमें अर्ज भी बहुत है, ये काफ़ी अच्छा कपड़ा है, और इसमें चमक और शाइनिंग भी बहुत ज़्यादा ही है। और ये देखिए, अपने अस्तर वाले पार्ट को सेम पोर्शन में रखते हुए कट कर दीजिए एज इट इज़, ये देखिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा कपड़ा ऊपर हमारा बचा था, तो इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ से हम इसकी स्लीव्स निकालेंगे। अगर आपके पास सेम कपड़ा है मेरे जैसा, तो आप सेम ड्रेस बनाएंगे तो सेम आपका बन जाएगा, हर चीज़ निकल जाएगा इसमें। और सेम मेथड से ये देखिए 4 फोल्ड हमने कर दिया है। अब यहाँ से स्लीव की कटिंग कर लेंगे। ठीक है, हमारी स्लीव की कटिंग हो चुकी है नॉर्मली। और फिर यहाँ से मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा इतना बच गया था, तो इसका मैंने सोचा फ्रिल नीचे डाल दूँ। तो फ्रिल के लिए देखें, तो यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करते हुए 3 इंच पर निशान लगाएंगे, और 3 इंच की पट्टियाँ अपनी कट कर लेंगे। सेम साइज़ में हमारी जितनी भी पट्टियाँ कट रही हैं काट लेनी, क्योंकि फ्रिल में कितनी पट्टियाँ लगती है वो हमें नहीं पता होता है। पट्टियाँ हमारी कट चुकी है। अब यहाँ पर देखिए, हमने चोली वाला पार्ट लिया है, इसको हमें गला बनाना है यहाँ पर। तो जो हमारा अस्तर वाला पार्ट है, उसको इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पर गले का निशान लगाएंगे हम। 2.5 इंच मेरा गले की चौड़ाई है, और गला मेरा छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो 4 से 4.5 के बीच में मैंने लेंथ ली थी, और इसको गोलाई शेप दे देनी है नॉर्मली। ये तो बहुत ईजी है, आपको भी नॉर्मली बना लेते होंगे गोल गला, तो आप अपने तरीके से बना लीजिएगा। तो इस तरीके से कटिंग कर दिया हमने। अब इसको अस्तर, जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको अस्तर को रखेंगे उसके ऊपर, और इस तरीके से ये सारी जो गोलाई हमने कटिंग की है वहाँ पे सिलाई लगानी है। उससे पहले हमें पिन अप कर देना है, ताकि हमारा घिसके ना कपड़ा, क्योंकि जो हमारा मेन फैब्रिक है वो भी थोड़ा फिसलने वाला है, और जो नीचे का अस्तर वाला कपड़ा वो भी कॉटन नहीं है, वो भी फिसलने वाला है। तो ऑब्वियसली हमारा कपड़ा घिसकेगा तो हमारा गला टेढ़ा हो जाएगा। तो उससे अच्छा हमें पिन अप कर देना पहले, फिर हमें सिलाई लगा देनी है चारों ओर। तो चलिए, मैंने देखिए सिलाई लगा दी है यहाँ पर। अब इसको कट कर लेंगे, बीच के पार्ट को ये देखिए कट कर लिया। अब बीच बीच में छोटे छोटे कट लगा कर अपने गला को पलट लेंगे
सीधे साइड ये देखें, हमारी सीधे साइड का जो सफाई है इस तरीके से। अब ऊपर एक सिलाई लगा देंगे यहाँ पर। तो ये देखिए मैंने सिलाई भी लगा दी। अब ये देखिए बैक वाला पार्ट लेंगे अपने बैक चोली का, उस पर अपने गले को एडजस्ट करेंगे। अगर हमारी वीडियो देखती होंगी तो आपको पता ही होगा मैं थोड़ा अलग तरीके से गला बनाती हूँ। तो ये देखिए सबसे पहले मैंने पीछे का पार्ट रख लिया। अब यहाँ पर मैं शोल्डर जॉइंट कर लूँगी। नॉर्मली होता क्या है कि लोग शोल्डर जॉइंट करते हैं तब जब उनको कॉलर वाला गला बनाना होता, बट मैं गले वाले गले में भी शोल्डर पहले जॉइंट करती हूँ उसके बाद मैं गला बनाती हूँ। मेरी बहुत ईजी से और सफाई से हो जाता है, घिसकता नहीं है, घिसकने का डर नहीं रहता है, गला इधर उधर कंधे से गिरने का डर नहीं रहता। देखिए दोनों शोल्डर मैंने जॉइंट कर लिया है नॉर्मली, और इसको इस तरीके से करते हुए बैक पार्ट को फोल्ड कर लिया। अब यहाँ पर गले की कटिंग करेंगे हम। नॉर्मली 3 से 4 इंच की ही हमारे गले की कटिंग होगी, क्योंकि छोटा गला ज़्यादा चलता है, हर किसी की डिमांड रहती है छोटा गला बनाओ, और ख़ासकर टीनेज वाली गर्ल्स जो होती हैं, और ये टीनेज गर्ल्स के लिए मैं बना रही हूँ। तो इस तरीके से गले का निशान लगा दिया 3 इंच पे और कट कर देंगे। साइड से देखिए मैंने 1/2 इंच छोड़कर कट किया था कंधे के साइड से। अब यहाँ पर जो हमने कट किया था उसको रखते हुए एक एक्स्ट्रा फैब्रिक पर इस तरीके से कट कर लेंगे। फिर 1 इंच का गैप देते हुए एक बार और इस तरीके से जिस शेप में है उस शेप में कट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे कट कर दिया। आप पट्टी को चारों तरफ से फोल्ड कर देंगे, नॉर्मली जो हम अपने गले में करते हैं उस तरीके से हमें बनाना है। तो ये मैंने चारों तरफ से फोल्ड कर दिया यहाँ पर। अब ये गला लेंगे बैक पार्ट का, इसको इस तरीके से रखते हुए ऊपर से थोड़ा सा फोल्ड करेंगे। देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक जा रहा है हमारा, यहाँ से हल्का फोल्ड किया, अब पूरे में सिलाई लगा दिया। यहाँ पर लास्ट में भी आते हुए थोड़ा सा फोल्ड होगा हमारा कपड़ा, और इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। अब हल्का हल्का कट लगा देंगे चारों तरफ से, ताकि पलटने में हमारा जो झोल वोल ना आए गले में। और अच्छे से पट्टी को देखिए इस तरीके से पलट कर सिलाई लगा देंगे, या आप तुरपाई कर लीजिए। तो दोस्तों देखिए गला बनना कितना आसान था। मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ, गला मैं इसी तरीके से बनाती हूँ अपना। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर दीजिए, ताकि हमारी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। मैं आपको हर वीडियो में नई नई टिप्स एंड ट्रिक्स बताती रहती हूँ, और नए नए डिज़ाइन आपके लिए शेयर करती रहती हूँ। तो ये देखिए हमारा गला तैयार हो गया है, इतनी अच्छी फिनिशिंग आई यहाँ पर। अब इसके बाद यहाँ पर हम बाजू अटैच कर लेंगे, जो हमने बाजू कटिंग किया था। बाजू पे भी मैंने थोड़ी सी फ्रिल लगा ली थी, ये देखिए बाजू पे मैंने फ्रिल ऑलरेडी लगा ली थी, ये देखिए। अब इसको नॉर्मली हमें अटैच करना है बाजू के जो बीच का ये देखिए कट होता है हल्का बीचों बीच का, उसको बीच के निशान पर रखते हुए इस तरीके से सिलाई लगा लेना है। कई बार इस तरीके से जब हम बाजू लगाते हैं तो हमारा बाजू देखिए आगे की ओर बढ़ जाता है, तो हमें बढ़ने देना ये देखिए। लेकिन जो हमारे बीच का निशान है वो बीच के शोल्डर के बीचों बीच तक ही आना चाहिए। ये हमारे साइड का जो एक्स्ट्रा है फैब्रिक वो कट जाएगा, लेकिन बीच के निशान से इधर उधर हो गया तो हमारा गला आगे की ओर नहीं तो पीछे की ओर भागता रहता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें, ये बहुत अच्छा टिप्स एंड ट्रिक्स है। आप गला आपका ना आगे की ओर भागेगा ना पीछे की ओर, बिल्कुल स्टेबल रहेगा बीचों बीच। तो ये देखिए हमारा बाजू तैयार हो गया, सिल गया, कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर सीधे की साइड हमने पलट लिया, तो ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक दोनों साइड से बढ़ गया था बाजू का, तो इसको कट कर देंगे। तरीके से दोनों साइड के बाजू को तैयार कर लेना है। अब यहाँ पे हमें चुन्नट वाले पार्ट को बनाना है। ये देखिए चुन्नट वाला जो हमने 20 इंच का लिया था, 20 इंच का, उसको इस तरीके से सीधे रखते हुए ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे चुन्नट प्लेट्स डालनी है अपनी, गैथरेड बनाना है। इसे चुन्नट भी बोलते हैं, प्लेट्स भी बोलते हैं, गैथरेड भी बोलते हैं। तो छोटे छोटे बिना हमें नापे या फिर कुछ भी किए मार्जिन एडजस्ट किए प्लेट्स डाल देनी है नॉर्मली सिंपली। तो ये देखिए डल गया मेरा, दोनों साइड हमें डाल देनी है, फ्रंट और बैक साइड दोनों साइड मैंने डाल दी है। अब इसे अटैच करना है चोली के साथ। तो देखिए आगे की या पीछे की चोली ले लीजिए, चोली को इस तरीके से रखते हुए गैथरेड वाले पार्ट को सीधा रखना है, चोली वाले पार्ट को उल्टा रखना है, नीचे की ओर सीधा रखना है चोली वाले पार्ट का, और इस तरीके से जॉइंट कर दीजिए। ये देखिए नॉर्मली सिलाई लगा कर कंप्लीट कर देंगे। हमारा सिल गया है। अब एक बार ऊपर से हम सिलाई लगा देंगे यहाँ पर, ताकि जो हमारा गैथरेड है अच्छे से इस पर बैठ जाए।
अब यहाँ पर देखिए हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे मैंने फिटिंग की सिलाई भी लगा ली थी और फिटिंग की सिलाई मैंने नीचे तक, ये देखिए चुन्नट के 3 इंच एक्स्ट्रा तक लगाया है, जो हमारी हिप होती है 18 इंच पर नॉर्मली, ये देखिए उससे आगे हमने खुला रखा है क्योंकि हमें कट वाला करना है। ये देखिए उससे आगे मैंने खुला रखा है, जैसे हम चाक बनाते हैं सूट की कुर्तियों की स्लीट बनाते हैं वैसे हमें फोल्ड करके, देखिए एक बार फोल्ड करके बनाना है। ये देखिए बहुत आप चीपेस्ट प्राइस में बहुत हाई क्वालिटी के ड्रेस बना सकते हैं और ये काफ़ी ट्रेंड में ऐसी ड्रेस, अगर आपके पास है तो आप सेम ड्रेस बनाइए, मैं आपको रिकमेंड करूँगी। तो ये देखिए हमारी साइड की स्लीट भी सिलाई हो गई है, साइड का चाक भी बन गया है, जैसे हम नॉर्मली सूट की सिलाई करते हैं वैसे सिलाई है। ये देखिए अब यहाँ पे चाहे तो आप साइड में डोरी डालना चाहे तो डोरी डाल सकते हैं। यहाँ पर ये मैंने पट्टी जो बनाई थी उसको इस तरीके से हमें यहाँ पर गैथरेड बनाना है, चुन्नट बनाना है और नीचे की साइड से सीधी सिलाई लगा देनी है, उसका रफ कपड़ा एक्स्ट्रा बाहर ना आए। तो यहाँ पर देखिए मैंने चुन्नट बना ली है, साइड से मैंने चुन्नट बना ली है, दूसरी साइड से मैंने सिलाई लगा दी थी नॉर्मली, इसको इस तरीके से रखते हुए अटैच कर देना है। ये देखिए नीचे की साइड इस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से देखिए उल्टी साइड रखकर हमें पूरे में सिलाई लगा देनी है और जो एक्स्ट्रा रफल है उसको कट कर देना है। तो ये देखिए हमारा कंप्लीट हो गया है, पूरी ड्रेस हमारी हैली शाही स्टाइल ड्रेस हमारी पूरी तैयार है। यहाँ पे मैंने फ्लावर लगा दिया था लुक अच्छा आने के लिए बीच में अपने नेक में, आप भी अपने कोई सा भी फ्लावर बना के लगा सकती हैं। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।